خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان احکام کے درس کے اندر ہم شرکت کے بارے میں بات کر رہے تھے، کل بحث ادھوری رہ گئی تھی، تو آج ہم شریک کے شرائط بیان کر رہے ہیں. جو شریک ہوگا شرکت میں ان کے شرائط کیا ہونا چاہیے. شریک، شرائط شریک. شرائط شریک چار چیزیں. نمبر ایک یہ ہے کہ بالغ ہو، بلوغ. بلوغ یعنی شریک بالغ ہونا چاہیے، نابالغ کی شرکت صحیح نہیں ہے، نادرست. نابالغ کی شرکت درست نہیں، باطل. اس لیے بالغ ہونا چاہیے پہلی شرط. دوسری شرط یہ کہ عاقل ہونا چاہیے، لہذا عقل دوسری شرط. شریک کا عاقل ہونا لازمی ہے. اگر سفی ہو، نا سمجھ ہو، کم عقل ہو یا بے عقل ہو تو شراکت درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ کہ شراکت بلا جبر و اکراہ ہو، بلا جبر و اکراہ ہو، کسی نے جبر نہ کیا ہو، مجبور نہ کیا ہو، اور وہ کراہتن یعنی شراکت کرتے کرتے اسے اچھا نہ لگ رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ شریک جو ہے اس کا ارادہ اور اختیار، ارادہ و اختیار، یہ شرط یعنی ارادہ اور اختیار اس کا ہونا چاہیے. اس نے خود ارادہ کیا ہونا چاہیے، کسی اور نے نہ کروایا ہو، اور مختار بھی ہو. یہ نہیں کہ وہ مختار نہیں ہے، کوئی اور اس کو کروا رہا ہے، ایسا نہیں. اور چوتھی بات، چوتھی بات یہ کہ ممنوع عن التصرف نہ ہو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب شریعت یعنی حاکم شرع اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روکتے ہیں،
लिहाजा शरीक ऐसा होना चाहिए जो अपने माल में तसरुफ कर सकता हो। अपने माल में तसरुफ कर, यानी वो अपना माल खर्च कर सकें जैसे चाहे वैसे, ये उनमें ये ताकत होनी चाहिए। और ये ताकत कब होगी? जब वो बालिग भी होंगे, अकल भी होगी और फजूल खर्च भी ना होंगे। अपने माल को ऐसे ही बहाते ना होंगे, नाजायज़ तौर पे उसे खर्च ना करते होंगे। ये चौथी शर्त है और बस यही चार शर्तें हैं शराकत के सही होने के लिए, जो हर शरीक में होनी चाहिए ये शराइत। एक, फिर नंबर दो, तो गोया अगर ये चीज़ें ना हों तो शराइत बातिल, शराकत बातिल भी हो सकती है। तो लिहाजा जो बातिल शिरकत है, बातिल शिरकत, बातिल शिरकत, गोया कोई शिरकत बातिल भी हो सकती है। हाँ, दो तरह की शराकतें बातिल हैं, यानी जो सही नहीं है। नंबर एक, नंबर एक क्या है? अगर चंद अशखास, अगर दो या ज़्यादा अशखास, चंद अशखास उस मजदूरी में मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का पैसा ले रहे हैं, लेकिन उस मजदूरी में जो अपनी मेहनत से हासिल करें, जो अपनी मेहनत से हासिल करें, उस मजदूरी में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ शिरकत करें, तो ये शिरकत बातिल है। ये शिरकत बातिल है। जैसे आजकल यहाँ मजदूर वगैरह बिहार से, यूपी से, कहीं से लाए जा रहे हैं और कोई उनको लाता है और वो जो लाने वाला है उनसे काम करवाता है, मजदूरी करवाता है, मेहनत से जो लोग पैसा कमाते हैं और पैसे का कुछ हिस्सा वो ठेकेदार ऊपर से लेता है, एक तरह की शराकत बनती है। इसे शराकत नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह से अगर निज़ाम हो कि बग़ैर मेहनत करके कोई शरीक दूसरे की मेहनत का पैसा ले सके, अगर ये शराकत हो तो ये शराकत बातिल है, ये शराकत दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेहनत मजदूरी का जो फ़ायदा है वो उसी का हक है जिसने मेहनत मजदूरी की हो, दूसरे का हक नहीं है। इस तरह की शराकत नंबर एक बातिल है। और दूसरी कौन सी इस तरह की शराकत जो बातिल है? दूसरी शराकत, अगर शिरकत के माहदे में तय कर लिया जाए, पहले से फैसला कर लिया जाए कि एक ही शख्स, कि एक ही शख्स सारा मुनाफा लेगा,
या ये कि तमाम नुकसान या उसका ज्यादा हिस्सा एक ही शख्स उठाएगा तो ऐसी करारदाद भी बातिल है। अगर छे असली शिरकत सही है, अगर शिरकत के माहदे में तय कर लिया जाए कि एक ही शख्स सारा मुनाफा लेगा या ये कि तमाम नुकसान या उसका ज्यादा हिस्सा एक ही शख्स उठाएगा, तो ऐसी करारदाद बातिल है। शिरकत का मतलब है हर चीज़ में शराकत होनी चाहिए और वो भी बराबर बराबर की, इल्ला अगर एक का सरमाया ज़्यादा हो दूसरे का कम हो तो सरमाए के तनासुब से मुनाफा भी आपस में बांट लिया जाना चाहिए या नुकसान भी आपस में तकसीम किया जाना चाहिए। लेकिन किस तनासुब से? सरमाए के तनासुब से या मेहनत के तनासुब से। ये नहीं कि यकसान हो मेहनत भी और सरमाए भी, लेकिन किसी शख्स को समझा जाए ये ऐसा और वैसा इसलिए इसको ज़्यादा नफ़ा मिलना चाहिए या ये इसी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसा अदल इलाही अदल इज्तिमाई के ख़िलाफ़ है। इसलिए ऐसी शिरकत जो है, ऐसी करारदाद जो है वो बातिल है। अगर शिरकत सही है, शिरकत सही है, लेकिन करारदाद बातिल। तो इसके साथ हमारी शिरकत की बहस जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब एक और बहस लाते हैं और वो बहस है सुलह की। सुलह, सुलह मिटाऊं, ये था होता है जी। ओके, सुलह सुलह सुलह, ये सुलह किसे कहते हैं? सुलह हम इसे सलाह पढ़ते हैं कश्मीरी में और ये दुरुस्त नहीं है। सुलह सुलह, सुलह क्या होता है? सुलह ये होता है सोलह सोलह, सुलह के मैंने क्या है? सुलह के मैंने ये है कि कोई शख्स दूसरे आदमी के साथ तय करे कि क्या क्या तय करे कि माल या मनफियात
उस दूसरे आदमी को पैसा बता देगा तो मैं दूंगा। किसी के साथ तय किया कि मैं अपने माल में से या अपनी मनफियात में से तुम्हें दे दूंगा कुछ, या ये कि अपना हक छोड़ दूंगा, या मुझ मेरा हक बनता है आपके पास कुछ, या अपना हक छोड़ूंगा, अपने हक से दस बगार हो जाऊंगा। क्यों छोड़ूंगा? ताके इसके बदले में तीन चीजें, या माल के बदले में, या मनफियात के बदले में, या अपना हक छोड़ने के बदले में। बदले में तुम अपना माल, या इसका कुछ हिस्सा, या अपनी मनफियात, मेरे हवाले कर दो। या तुम्हारा जो हक है या कर्ज है, उसको माफ कर दो। ये सुलह कहलाता है। ये दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज हैं, एक मैं हूं कोई शख्स और एक है दूसरा आदमी। ये दो पार्टीज, एक मैं और एक तुम। तो ये मैं जो है, ये अपना माल ए अलिफ या ए, मनफियत बी और हक सी, ये तीन चीजें उसे देगा। और वो जो दूसरी पार्टी है उसके बदले में उसे कह रहा है तुम यानी दबर दो अपना माल ए, या उसका कुछ हिस्सा बी, या उसकी मनफियात सी, या हक या कर्ज, हक और कर्ज डी। ये डी आप मेरे हवाले करें, हक और कर्ज माफ करें, अपना माल और या उसका कुछ हिस्सा मुझे देते हैं, मैं अपना आपको देता हूँ। यानी एक तरह का तबादला, और इस पर राजी होंगे दोनों। जब दोनों राजी होंगे तो उसे कहते हैं सुलह। अब इस सुलह के कुछ अहकाम हैं, सुलह के अहकाम हैं, अहकाम सुलह। सुलह के अहकाम क्या हैं? चंद एक हैं। अहकाम सुलह, अहकाम सुलह चार। नंबर एक, सेगा, सुलह का सेगा, सेगा या सेगा इस सुलह, अरबी में पढ़ना जरूरी नहीं, अरबी में
सुरा का शेगा पढ़ना जरूरी नहीं, हर उस सब लफ्ज से सही होगा, हर उस लफ्ज अरबी हो या कोई और जबान का लफ्ज, हर उस लफ्ज से सही होगा जिससे सुलह का होना, सुलह का होना समझा जाए। लोग समझते होंगे कि ये जो बात कर रहा है इसका मतलब सुलह कर रहा है, ये सुलह कर रहे, तो ये बात ये दोनों आपस में जो करेंगे तो वो किसी भी जबान में करें, कई किसी भी लफ्ज से करें, कोई भी लफ्ज इस्तेमाल करके करें, लेकिन ये है जरूरी कि समझा जाएगा कि ये सुलह होना है तो तब ये सही होगा उस लफ्ज को इस्तेमाल करना या उस जबान को इस्तेमाल करना, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा हुक्म ये है कि अगर कोई शख्स कर्ज के हक के, कर्ज या हक के बारे में, कर्ज या हक के बारे में दूसरे से सुलह करना चाहिए, दूसरे से सुलह करना चाहिए तो ये सुलह तभी सही होगा जब दूसरा कबूल करेगा। जब दूसरा कबूल करेगा तभी सही है, वरना सही नहीं है। ये जितने सारे उकूद हैं, उकूद अकद, इन चीज़ों को अकद कहते हैं, मामलात, हर तरह के मामलात अकद कहलाते हैं। ये उकूद तभी सही होते हैं हमेशा जब कबूल भी हो दोनों तरफ से, मामला करने वाला भी कबूल करे और मामला कबूल करने वाला भी उसे मान ले, तभी ये सभी उकूद जो हैं अकद, ये सभी अकद तभी सही है जब एक दूसरे के बारे में माँ बहन, एक भी दूसरा भी, एक पार्टी भी दूसरी पार्टी भी कबूल करे, तो किसी सूरत में थोपा नहीं जा सकता, तभी इसे हम ऐसा कहेंगे। वक्त तमाम हो गया तो दो अहकाम रह जाते हैं इंशाल्लाह अगले दर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन।